हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वी आर बैक इन लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया और आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या होगी? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट काफ़ी सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। सो जब आप तैयारी सोचते हैं भी मैंने आज बाहर आना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, सबसे पहले आपको चाहिए आइल्स। अपनी आइल्स कीजिए या पीटी कीजिए, बैंड स्कोर इज द मस्ट थिंग। अगर आपके बैंड ही नहीं आए तो फिर फ़ायदा क्या दूसरों से सलाह लेने का भी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, मैं कनाडा जाऊँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए वो चाहिए बैंड। अगर आपके बैंड आ गए हैं देन नो इश्यूज। जब आपके बैंड आ गए हैं उसके साथ फर्स्ट थिंग एक और है, बैंड के साथ साथ जैसे हमें आयल्स करनी शुरू करनी है उसी के साथ साथ आप एजेंट्स ढूंढना शुरू कीजिए। एजेंट ढूंढना इज नॉट अ बिग डील, बहुत ही आसान काम है एजेंट ढूंढना। और ठगों से बचें क्योंकि इंडिया के अंदर हमें पता है काफ़ी सारे ठग हैं, तो उन सबसे बचने की कोशिश करें। तो क्या है, काफ़ी क्लीन प्रोसेस है। तो इसके अंदर जो हमें सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके फंड्स ओरिजिनल हैं तो इट्स वेरी इजी, और अगर आपके पास फंड्स खुद के नहीं हैं, आपने किसी अरेंज करवाने हैं, तो आप कोई अपना नियर बाय लोकल पर्सन ढूंढें या उस बंदे से फंड करवा के और फिर हम बाहर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आपको वही बेनिफिट रहेगा। बट अगर आपके खुद के ओरिजिनल फंड्स हैं तो आपने क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑन माय राइट और योर लेफ्ट समथिंग लाइक दैट। सो आप जैसे आप देखेंगे उसके अंदर आपको पता लगेगा कि आप सिंपली टाइप कर सकते हैं इंडिया एजेंट्स इन यूनिएसए और बाय यूनिएसए। सो आप जैसे आप इंडियन एजेंट्स इन यूनिएसए पे क्लिक करेंगे, गूगल पे सर्च कीजिए जो भी आपको यूनिवर्सिटी पसंद है, यूनियालेड यूनिएसए। अब यहाँ पे हमारे यूनियालेड यूनिएसए टोरेंस अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हैं, तो आप सिंपली जो यूनिवर्सिटी आप सर्च करेंगे चाहे वो मेलबर्न में है चाहे यहाँ पे, आप किसी इंडियन एजेंट्स ओके करेंगे लिस्ट खुल जाएगी। फिर उसके अंदर जो फर्स्ट लिंक है यूनी का लिंक है उसको ओपन कीजिए। उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे ऐसा लिंक आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इस लिंक को देखो, अब इस लिंक के अंदर क्या सिंपली देर के ऑप्शन आपको, अब नीचे देखो रिफाइन का ऑप्शन है, रिफाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, रिफाइन के ऑप्शन पे आप इंडिया भरो, फिर इसके अंदर अपना स्टेट भरो, फिर इसके अंदर आपको कहाँ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने पुट किया इंडिया देन दिल्ली देन दोबारा दिल्ली पुट कर दिया, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आया तो ये एजेंट का नाम आ गया। और अगर उसकी जगह पे मैं न्यू दिल्ली कर लेता हूँ तो मेरे पास 20 एजेंट्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई, जैसे कि एसीसी ग्लोबल एडवाइस ऐसे कई तरह के एजेंट्स। और मैंने आपको किस लिए कह रहा हूँ भी इन एजेंट्स के लिए जाएं, क्योंकि ये एजेंट्स आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूनिवर्सिटी को 15 to 30,000 dollars फीस साल की भरनी है तो यूनिवर्सिटी इनको एज ग्रांट कह लीजिए या इनको स्कॉलरशिप कह लीजिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको पैसे जाते हैं, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है आपसे पैसे लेने की। अगर आप किसी लोकल एजेंट के पास जाएंगे वो आपसे हमेशा सिंपली दे विल चार्ज 50,000 rupees फॉर लाइक आपकी फाइल हैंडलिंग के लिए 50,000 rupees वो चार्ज कर लेंगे। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी गाइस, भी आप बाहर जाएँ, एक्सप्लोर करें, क्वेश्चंस आस्क करें एजेंट्स को, जैसे आपके पास ये लिस्ट है इन एजेंट्स के पास जाएं और जहां आपका मन करे भी हाँ ये एजेंट ने मेरे को सही एडवाइस दी है तो आप वहां जाके अपने। सो फ्रेंड्स, जैसे कि जो एजेंट आपने चूज़ करना है आप एक्सप्लोर करें सभी चीज़ों को, एक्सप्लोर करें, क्वेश्चन करें, जाके एजेंट से मिलें, बात करें और फिर जाके फाइनल डिसीजन पर आई एम एम इस एजेंट के साथ मेरे को आगे परस्यू करना है अपना फाइल और अपना केस। और जो बिगेस्ट थिंग अभी सबका कंसर्न है वो है कोर्स कौन सा चूज करें। सो कोर्स के लिए मैं स्पेशली अपने साथ आइदर लव और समवन एल्स उसको साथ में लूँगा और उसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे भी हाँ कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो फिर हम देखेंगे कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है और मार्केट में क्या ऑप्शन है। सो इट्स अ सस्पेंस, सो स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर इन्फो। एंड प्लीज कमेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड इंटरनेशनल स्टडीज के बारे में पूछना है कमेंट करके हमेशा पूछें। सो सी यू गाइस, स्टे कनेक्टेड।